नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको सुबह के आलस्य को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को सुबह उठने में शरीर में आलस्य छाया रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। दोस्तों इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में अगर 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो यह सब अभ्यास हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाते हैं। और इन अभ्यासों को करने से आप अपने शरीर को तरोताजगी से भरपूर पाएंगे। दोस्तों सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी आप उठें, आपने ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपनी दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद कर लेते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को खूब ऐसे रगड़ना है। 10 से 20 सेकंड ऐसे ही अपनी हथेलियों को खूब रगड़ते हैं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, तो अपनी हथेलियों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपके हाथों से गर्मी और ऊर्जा निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपनी हथेलियों को और आपने खूब रगड़ना है। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए तो ऐसे अपने आंखों के ऊपर से रख लेते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपनी आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। हम करेंगे मलजारी आसन। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करते हैं और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। ऐसे ही इस मलजारी आसन को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं तो यह हमारे शरीर को तरोताजगी से भरता है और मॉर्निंग लेजीनेस को दूर करने वाला सबसे सरल और सहज अभ्यास है। इसके बाद चाइल्ड पोज में ऐसे रिलैक्स कर लेते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को आगे से ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है और ऐसे सीधे देखते हैं 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो आपने अपनी आंखों को खोल के रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से लगाकर ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं और अपनी आंखों को खोल के रखना है। यह सुबह के आलस्य को दूर करने वाले सबसे सरल और सहज अभ्यास हैं। इन्हें करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव भी दूर होता है और हमारा शरीर ऊर्जावान और सक्रिय बनता है। करेंगे स्लीपिंग विष्णु आसना, जिसे अनंत आसना भी कहा जाता है। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव दूर होता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे बाएं दाहिनी करवट ऐसे लेट जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने एक हाथ को अपने थाइस के पास ऐसे
रख लेना है। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख सकते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन करें। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। इसके बाद आपके अपने एक हाथ को ऐसे अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। इसके बाद आपने अपने हाथ की दो उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कनपट्टी के पास लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार प्रैक्टिस करें। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे। इसके बाद ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही पीठ के बल सीधे करवट आपने लेट जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपने हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं, हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने सिर के समीप लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।